नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहले जलप्रपात जो है, समझ लेते हैं कि जलप्रपात होता क्या है। जैसे कोई भी पहाड़ी इलाका हो, ठीक ना, और वहां से आपका इस तरह से इससे अच्छा ऐसे बना दें, ये नदी है, ठीक है, और ये पूरा पहाड़ी इलाका हो, ठीक, और यहाँ से यूँ झरना गिर रहा हो, ठीक ना, यूँ इस तरह से, और नीचे एक बड़ा सा गड्ढा टाइप का हो, यहाँ पूरा गिर रहा हो, आगे एक नदी इस तरह से निकल रही हो, तो ये जो गिर रहा है ये आपका है वाटरफॉल, ये है आपका वाटरफॉल, ठीक ना, इसे जलप्रपात कहते हैं। इसकी ऊंचाई हर जगह अलग होता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ठीक ना, अलग अलग होता है। ये है आपका वाटरफॉल। अब देखेंगे भारत के प्रमुख वाटरफॉलों के बारे में और बारी बारी से इसके बारे जानेंगे। सबसे पहला है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है पहला? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो आपको कर्नाटक में वराही नदी पे, कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है, ठीक ना। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है। इसके बाद हम अगले जलप्रपात की ओर चलेंगे। अगला जलप्रपात है हमारा कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, ठीक ना, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, ये है होगेनकल। कौन सा? होगेनकल जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात है और कर्नाटक राज्य में भर चुके। अब कावेरी नदी ही है लेकिन राज्य कर्नाटक है, यह है भर चुकी जलप्रपात, ठीक ना। और साथ ही साथ बालमुरी जलप्रपात, एक और है बालमुरी जलप्रपात। तो कावेरी नदी में ही कर्नाटक में भर चुकी जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात भी शामिल हैं। चलिए इसके बाद अगले जलप्रपात की ओर चलेंगे। अब हम अगले जलप्रपात की ओर देखेंगे जिनमें कुछ प्रमुख हैं। पहला है कुंचिकल, हो गया है, फिर से देखें, कुंचिकल ये जलप्रपात यहाँ है वाटरफॉल, ठीक है, ये आपका वराही नदी, वराही नदी कर्नाटक 455 मीटर, कर्नाटक राज्य में लगभग 455 मीटर ऊंचाई है, मीटर ऊंचाई है। अगला जलप्रपात है दूध सागर। अगला जलप्रपात है हमारा दूध सागर। तो ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी है। नदी कौन है? मांडवी। मांडवी नदी का नाम है गोवा में। गोवा में दो नदी है, एक मांडवी दूसरा जुआरी, याद रखिएगा। तीसरा जो है ये आपका गोवा राज्य में है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 310 मीटर, 310 मीटर। इसके बाद अगला तीसरा है जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये सरावती नदी पे है। नदी कौन सी है? सरावती, राज्य कर्नाटक है और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यन्ना जलप्रपात। अगला है यन्ना जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पे है और यह आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे?
मध्य प्रदेश में है और करीब 183 मीटर ऊंचा है। 183 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे शिव समुद्रम। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात और ये है कावेरी नदी पे है। यह कावेरी पे कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है जो करीब 90 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। इसके बाद अगला है गोकक, ठीक ना। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई अभी अज्ञात है, ठीक ना, ठीक है। नहीं, 55 मीटर है, माफ कीजिएगा, ये 55 मीटर है, ठीक है। अगला है पायकरा। अगला है पायकरा, नीलगिरी नदी नहीं है, ये क्षेत्र है, ठीक ना, ये चीज। और ये तमिलनाडु में है और ये अज्ञात है, यानी इसकी ऊंचाई अभी पता नहीं चल पाई है। इसलिए कि पायकरा जो जलप्रपात है नीलगिरी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के कोल एरिया में अभी तक लोग नहीं बसे हैं, जैसे साइलेंट वैली हो गया केरल में, या नीलगिरी क्षेत्र में कोल एरिया तक अभी कोई व्यक्ति पहुँचा नहीं है। तो यहाँ की कितनी इसकी ऊँचाई है ये अभी अज्ञात है तमिलनाडु में। चलिए इसके बाद अगला है चूलिया जलप्रपात, इसे मिटा देते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पे कर्नाटक में है, 455 मीटर ऊंचाई है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पे गोवा में 310 मीटर ऊंचाई है। जोग यागस्तोपा जलप्रपात शरावती में कर्नाटक में 255 मीटर ऊंचाई है। यमुना नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में 183 मीटर ऊंचाई है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में 90 मीटर ऊंचाई है। गोकक जो है गोकक नदी कर्नाटक में है 55 मीटर ऊंचाई है। और पायकरा जो है नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में, ये अज्ञात है, इसकी ऊंचाई पता नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अगला। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला है चूलिया जलप्रपात, ठीक ना। चूलिया जलप्रपात है जो आपको चंबल नदी पे है, ठीक ना, और ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। ये 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगला है पुनाशा, ठीक है। पुनासा जो है चंबल नदी पे है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में है, ठीक है। ये करीब पुनासा 12 मीटर ऊंची है, या 12 मीटर ऊंची है। इसके बाद है बिहार जलप्रपात, ठीक है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है, कौन सी नदी पे है, और इसकी करीब राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई जो है बिहार की 100 मीटर है, ठीक है। इसके बाद है धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार की ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है। और ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। इसकी ऊंचाई करीब 10 मीटर है, ठीक। अगला है कुंडरू झारखंड में है। कुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे है, और ये झारखंड में है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर है, ठीक ना। अब यहाँ समझ लेंगे, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में 18 मीटर ऊंचाई है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में 12 मीटर ऊंचाई है।
बिहार जलप्रपात कौन सी नदी में राजस्थान में 100 मीटर ऊंचाई है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा में मध्य प्रदेश में 10 मीटर ऊंचाई है। कुंकू जलप्रपात स्वर्णरेखा में झारखंड में 74 मीटर ऊंचाई है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं सभी में जलप्रपात हैं, इसकी ऊंचाई और नदी का भी ध्यान रखें। खासकर आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में कौन कौन से जलप्रपात हैं, कौन कौन से कितनी ऊंचाई है, कौन कौन सी नदी पे है, इस चीज़ को याद रखें। क्योंकि भारत में पहाड़ों की कमी नहीं है, पर्वतों की कमी नहीं है, पहाड़ियों की कमी नहीं है। अब भारत क्या है, उसमें कटिबंधीय जलवायु मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र है, तो पेड़ पर्वतों की भी कमी नहीं है, ठीक ना, पहाड़ों की भी कमी नहीं है, तो जलप्रपातों की कमी नहीं है। तो इसको एक्स्ट्रा आप प्रत्येक राज्य के संदर्भ में भी जो इम्पोर्टेंट है देख लीजिएगा। आगे जब विविध में हम आएंगे तब इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्या बताएं।